दोस्तों डॉक्टर नौरा शेख हीरा गोल्ड के बारे में कुछ जानकारी आपको बताएंगे। थोड़ा वक्त लग गया, बीच में छुट्टी भी थी, कोर्ट से कुछ पता नहीं चल सका और बहुत सारे इन्वेस्टर्स ने फ़ोन किया था इसके बारे में बताने के लिए। सब में पहले सवाल विनी डांडा हीरा गोल्ड के लॉयर का था कि क्या हीरा गोल्ड के लॉयर ने जो है नौरा शेख का केस छोड़ दिया था। हम आपको बता दें कि 20 तारीख को विनी डांडा ने नौरा शेख का केस छोड़ने की बात कही थी और कहा था कि मैं एथिकल ग्राउंड्स की वजह से नौरा शेख का केस छोड़ रहा हूं, और मुझे पता है ये बात थोड़ी ज़रा पुरानी हो गई बट हम उसको सर्टिफाई कर रहे हैं, हकीकत आपको बयान कर रहे हैं कि मैंने नौरा शेख का केस छोड़ दिया, कुछ एथिकल ग्राउंड्स है और कुछ 200 करोड़ सुप्रीम कोर्ट में भरने की बात थी वो नहीं भर रहे, ऐसा 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 था उन्होंने हमसे भी कहा था। बात ये होती है कि अगर कोई किसी को छोड़ता है या कोई किसी को हटाता है तो आदमी बहुत कुछ बोलता है, जो अच्छा बोलने वाला वो गलत बोलना चालू करता है, जो गलत बोलने वाला है वो अच्छा बोलना चालू करता है। जैसे ही विनीत डांडा की खबर फैलने लगी तो जो लोग उनके खिलाफ थे वो उनसे सर डॉक्टर विनीत सर छोड़ दिए, ऐसा हो गया वैसा हो गया, उनको मौका मिल गया, और जो हमेशा विनीत डांडा को सर पर बिठा के रखते उन्होंने उनको जूते पर ला के मार दिया कि वो ऐसा था अब तक आपा की बेल नहीं दिला सका। खैर ये तो हवाई बातें चल रही थी कि इन्वेस्टर्स बोल रहे थे जिनको, और ये बात चल रही थी लोग एक दूसरे पे इल्ज़ाम लगा रहे थे। हम आपको बता दें कि क्या विनीत डांडा ने ये केस छोड़ दिया, तो पहले हम आपको कंफर्म करते हैं, जी हाँ विनीत डांडा ने ये केस छोड़ दिया। ग्राउंड क्या वो एथिकल ग्राउंड जो बता रहे वो सही है वो आप लोगों को फैसला करना है। हम आपको बता दें कि विनीत डांडा और नौरा शेख की जो टीम है उनमें सब में बड़ी प्रॉब्लम चालू हुई पहले से ही, जब बेल नहीं हो पा रही थी सुप्रीम कोर्ट गए थे तो हमें ये खबर मिली है कि उनको कहा गया था कि आप से अगर नहीं हो पाता है, क्योंकि आप बड़े लॉयर हो आप छोटे कोर्ट में नहीं आते हो, आपसे अगर नहीं होता है तो आप NOC दे दीजिए, हम दूसरा लॉयर कर लेंगे, ये ऐसा बात सुनने में आई है। तो हमेशा विनीत डांडा जी जो है कि कहते थे कि सुप्रीम कोर्ट में डाल दिया हूँ पिटीशन, ये हो गया है वो हो गया है करके ये बात चलते रही और ये केस चलता रहा। मगर सबसे बड़ा रीज़न, और उन्होंने तमन्ना शेख का नाम दिया है, तमन्ना जो वॉचिंग एडवोकेट थी जो वहाँ पर हमेशा, हमने भी देखा है कि हर कोर्ट में उसने विनीत डांडा के जो लोग हैं उनको हेल्प की, कभी उनके पास FIR कॉपी नहीं रहती थी, कभी ये नहीं देता था, कभी कुछ नहीं पता, क्योंकि हर जगह नए नए लॉयर खड़े होते थे, उनको पता भी नहीं चलता था कि क्या कंपनी है क्या नहीं, तमन्ना शेख उनको हेल्प करती थी। पूना में हम आपको बता दें, पूना में जब नौरा शेख को लेके जाया गया तो फर्स्ट डे एडवोकेट विनीत डांडा का लॉयर वहाँ नहीं पहुँचा। वहाँ नहीं पहुँचने के बाद एडवोकेट रहमान साहब जो है वो उन्होंने रिप्रेजेंट किए, और 7 दिन की जो है PCV थी। अब वहाँ पर ये लफड़ा चालू हुआ कि कोई दूसरा एडवोकेट खड़ा कैसे हुआ, यानी विनीत डांडा की जो मोनोपोली थी उसमें पहला ही कोई ऐसा लॉयर जो है जो विनीत डांडा की नज़र में नहीं था, तो एडवोकेट रहमान साहब जो है, अब वाकई में अगर आप विनीत डांडा के लॉयर नहीं पहुँचे, उनका नाम शायद निम्बलकर साहब था, वो उस वक्त नहीं पहुँचे तो किसी ना किसी को तो खड़ा होना था। तो ये वहीं से फिर बाद में वहाँ पर बहुत कुछ हुआ, जो इन्वेस्टर्स थे, और बहुत हम इतना डिटेल्स में नहीं बताना चाहते हैं, मगर बहुत कुछ वहीं से खराब चालू गए। अब जबकि 20 तारीख को इन्होंने डिक्लेयर किया कि मैं छोड़ दिया हूँ, मेरा एथिकल ग्राउंड है, मगर हम आपको बता दें फ्राइडे को जो है ना, जो शायद 22 तारीख थी, इनके 23 तारीख थी 21 तारीख थी फ्राइडे को, यानी इनके डिक्लेयर करने के 2 दिन बाद भी थाना कोर्ट में कुछ हुआ। हम आपको बताते थाना कोर्ट में क्या हुआ। थाना कोर्ट में जो है इनकी बेल एप्लीकेशन आई डॉक्टर नौरा शेख की, उसमें वही जो हमेशा एडवोकेट खड़े रहते हैं वही खड़े हुए, उनका नाम, हाँ, जो हमेशा विनीत डांडा के ही लॉयर खड़े होते थे। अगर विनीत डांडा ने एथिकल ग्राउंड पर छोड़ दिया था तो वो थाना कोर्ट में उनके एडवोकेट के साथ एडवोकेट को गाइडेंस क्यों दे रहे थे, सबसे पहले सवाल। दूसरा, गाइडेंस भी क्या दे रहे थे। गाइडेंस ये दे रहे थे कि जब जज साहब ने पूछा उनको श्योरिटी की बात कही गई तो इन्होंने, इनके एडवोकेट बाहर गए, बाहर जाके फ़ोन लगाए विनीत डांडा को और विनीत डांडा से पूछे कि क्या करना है, साहब बोल रहे कि 5 करोड़ भरना है, या इन्होंने खुद 5 करोड़ भरा का आके ऑफर दे दिया कि हम 5 करोड़ को भरने को तैयार हैं। तो पहला कहीं ना कहीं सवाल ये जाता है कि आप किससे पूछ के 5 करोड़ की बात की है, किसने आपको बोला था, वो भी सिर्फ एक केस जहां पर 80,50,000 रुपया जो है निज़ामपुरा का केस था,
वो केस में 80,50,000 के केस में इन्होंने 5 करोड़ भरने की बात कही है, और शायद वहीं उनमें क्लैश हो गया कि आपने 5 करोड़ क्यों भरने को कहा जब 80 लाख का ये है वो है। खैराल ये चला। अब हम आपको बताते हैं कि यह वाकई में नौरा शेख ने भी जो है एक लेटर भेजा है बॉम्बे सेशन जज को, और उस लेटर में उन्होंने कहा है कि विनीत डांडा, जेपी डांडा और उसके एसोसिएट्स को हम उनके ड्यूटी से डिस्चार्ज करते हैं। उन्होंने रीज़न दिया, दे आर इंडल्जिंग एंड वर्किंग अगेंस्ट माई इंटरेस्ट एंड देयरफॉर आई हैव डिस्चार्ज हिम। यानी इन्होंने लेटर दिया है जेल से बॉम्बे है अपना बॉम्बे सेशन कोर्ट को, और कहा है कि कुछ हफ्तों से इनकी जो एक्टिविटीज़ हैं वो हमारे इंटरेस्ट में नहीं आ रही है, तो शायद ये सब भी हो सकती है। और बहरहाल ये तो डॉक्टर नौरा शेख ही बता सकती है या विनीत डांडा साहब ही, एक्चुअल दोनों के बीच, या तमन्ना। हम चाहते हैं, हमने बीच में भी मैसेज भेजा था तमन्ना को कि तमन्ना को जो है इन्वेस्टर्स को आके बताना चाहिए था कि क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है, बीच दोनों के बीच में क्या हुआ है क्या नहीं होना है, ये आपकी मर्जी। अगर चाहे विनीत डांडा ने आपका नाम लिए तो आपकी ड्यूटी थी तमन्ना जी, एडवोकेट तमन्ना जी, कि आप आके बात करें। ये सब जो हम कह रहे हैं आज, जो हमको 5 दिन लगे सब देखने में, ये आपको आके पहले इन्वेस्टर्स को बता देना चाहिए था कि ये भाई ऐसी ऐसी बात थी, ऐसा साबित थी। बहरहाल ये तो हो गया अभी क्लियर कि अभी विनीत डांडा जो है वो, क्योंकि नौरा शेख का भी लेटर साइन होकर चले गए हैं थाना कोर्ट। हम आपको बता दें बॉम्बे सेशन कोर्ट के लिए एडवोकेट नजमा जे शरीफ, एडवोकेट नजमा जे शरीफ का वकालतनामा वहाँ फाइल हुआ है, मगर जानकारी के हिसाब से अभी हर जगह पर अलग अलग, जैसे पूना है तो वहाँ के पूना के MIPDL के जो बड़े बड़े लॉयर्स है या जो भी लॉयर्स उनको जमता है, सब जगह वो अलग अलग करेंगे। यानी जो विनीत डांडा की मोनोपोली थी कि उनका ही आदमी, हम मोनोपोली बोलेंगे उसको, कि उनका ही आदमी जो है उनके थ्रू ही एडवोकेट आवे और ये करें, वो टूट चुकी है। नौरा शेख जो है उनकी टीम जो है अभी नए लॉयर्स, दूसरे लॉयर्स को लेने की बात कही है। वहीं सेशन कोर्ट में उन्होंने डॉक्टर नौरा शेख का साइन किया हुआ लेटर जज के पास गया है, और जहां उन्होंने रिक्वेस्ट की है जज से कि विनीत डांडा, जेपी डांडा और हिज एसोसिएट्स फॉर द पास्ट वीक दे वर इंडल्जिंग एंड वर्किंग अगेंस्ट माई इंटरेस्ट, यानी मेरे इंटरेस्ट यानी मेरे खिलाफ वो काम कर रहे थे, एंड देयरफॉर आई हैव डिस्चार्ज हिम। ये उन्होंने 22 तारीख को इन्होंने भेजा। खैर दोनों, यानी अगर हम इसमें जाएंगे कि उसने ये बोला, इस हर जाता हुआ जो आदमी है वो एक दूसरे को गलत बोलता है, और नौरा शेख को अगर वो भी उनका एथिकल ग्राउंड सही रहा तो नौरा शेख भी बोल देवे कि नहीं मैं उसको मैंने निकाल दी हूँ। मैंने बात यहाँ पर निकालने की नहीं, बात यहाँ पर है मोनोपोली टूट चुकी है, अभी हर जगह पर लॉयर्स जो है दूसरे खड़े रहेंगे, हम आपको अपडेट देते रहेंगे। और जो है जो 5 करोड़ की निज़ामपुरा की बात थी, तो जज साहब ने कहा कि हर बार आप लोग 5-5 करोड़ दे देंगे, जैसे ABA में एंटीसेप्टरी बेल की, आपको याद होगा कि नौरा शेख की एंटीसेप्टरी बेल रिजेक्ट हुई थी थाना में, फर्स्ट टाइम जब नौरा शेख गई थी उसके बाद पुलिस ने कस्टडी ली थी, तब उसमें ये विनीत डांडा ने 5 करोड़ रुपये का मेंशन किया था कि हम एंटीसेप्टरी बेल 5 करोड़ रुपया देंगे, तो वही जज साहब ने कहा कि आप 5 करोड़ दे दो। यानी एक केस के लिए निज़ामपुरा में इनकी पेशकश विनीत डांडा की 5 करोड़ की थी, जो ये डिक्लेयर करने के बाद उन्होंने अपनी तरफ से कहा कि हम 5 करोड़ देने की तरह। अरे भाई, जब आप बोल दिए कि हम नहीं खड़े रह रहे तो फिर आपको बोलने की क्या ज़रूरत थी। खैर भरल ये बात हो गई। अभी कल जो है, कल इस बेल के ऊपर नौरा शेख की टीम क्या फैसला करती है, क्या जज से बात करती है, ये हम आपको कल ही बताएंगे। दूसरी बात, हम आते हैं केरला में चेमनगढ़ पुलिस स्टेशन। केरला में आपको पता होगा कि नौरा शेख के खिलाफ FIR दी थी चेमनगढ़ पुलिस स्टेशन में, 80 लाख का मामला था। हम आपको बता दें उसकी बेल हो गई, ये है बेल ऑर्डर कॉपी। इसमें जो एक हमेशा कशमकश रही थी, इस ऑर्डर में एक चीज़ का खुलासा हुआ है, जरा ध्यान से सुनना इस बात को। इस ऑर्डर में एक चीज़ का खुलासा जो है जज के ऑर्डर में आया, जो हमेशा से हो रही है, जो हमेशा से लड़ रहे हैं हीरा ग्रुप अगेंस्ट और प्री एंड प्रो के हिसाब से, कि आप पैसा भरोगे तो आपके पैसे वाकई में मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे, जो डिपॉजिट है वो इन्वेस्टर्स का पैसा है। तो इस ऑर्डर में हमने जहां तक तहकीक की है, इस ऑर्डर में जज साहब ने एक लाइन लिखा, नौरा शेख ने बोलेगी जज साहब ऑर्डर्स में लिखा हुआ है, ये ऑर्डर हमें निकालने में टाइम हो गया। तो ये 80 लाख की कंप्लेंट, हम आपको ये 80 लाख की कंप्लेंट थी, और इसमें एक इंटरेस्टिंग बात ये बताई गई है, जो कंप्लेनेंट है उसने ये बताया है कि 70 लाख रुपया इसने डिपॉजिट किया चेक के अकाउंट में, जिसमें से 68 लाख उसको वापस मिल चुके हैं डिविडेंड।
मतलब बाकायदा इसमें इन्होंने आर्ग्यू किया है, ये जो कंप्लेंट में लिखा गया है, जो इनके लॉयर जो थे इन्होंने बताया कि 70 लाख का इन्वेस्टमेंट था जिसमें से 68 लाख रुपया डिविडेंड इनको मिल चुका है, हिज इन्वेस्टमेंट में स्टिल सेफ विद, यानी जो इसका एक्चुअल इन्वेस्टमेंट है 70 लाख का वो अभी तक वहीं पड़ा हुआ है इसमें है। इन्होंने 80 लाख रुपया भरने की बात कही है जाके, जब जाके बेल हुई कि जो अमाउंट है 70-80 लाख रुपया, इन्होंने 80 लाख रुपया, तो एंटीसिपेटरी बेल पास हो चुकी है डॉक्टर नराशे की, तो इनको केरला जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि केरला का इनका एंटीसिपेटरी बेल का ऑर्डर आ चुका है। 50,000 रुपये की इनको बेल मिली है कैश अमाउंट की, अबाउंड ऑफ 50,000 और 2 श्योरिटी इक्वल श्योरिटी में इनको केरला हाईकोर्ट ने एंटीसिपेटरी बेल दिया है। और ये सब 2-4 कंडीशन रहती है कि 8 दिन में पैसा भरना पड़ेगा, शैल बी डिपॉजिट और बिफोर द कोर्ट विद इन अ पीरियड ऑफ 2 हफ्ते में ये पैसा भरना पड़ेगा, और दूसरी भी जो नॉर्मल कंडीशन रहती है वो है। अब एक बात देखिए, इस ऑर्डर में ये जो डिपॉजिट आती है, ये डिपॉजिट जो है जो कोर्ट में डिपॉजिट है, क्या है ये कोर्ट की डिपॉजिट? इस ऑर्डर में जज साहब ने एक लाइन लिखा है, द डिपॉजिट इज विदाउट प्रिजुडाइज टू द कंटेंशन ऑफ बोथ साइड, द डिपॉजिट इज विदाउट प्रिजुडाइज टू द कंटेंट ऑफ बोथ साइड। अब ये थोड़ी लॉ की लैंग्वेज है, थोड़ा हमने भी इस पर तहकीक की, तो इसका मतलब ये होता है कि हमने इसका ट्रांसलेट किया, तो इसका मतलब ये होता है ये जो जमा, ये जो पैसे जमा होता है कि हम 5 लाख डिपॉजिट करें, तो इसमें जैसा आपने स्पेशल लिखा है, जमा दोनों पक्षों के कब्जे के पक्षपात के बिना है, यानी ये जो अमाउंट है ये ना ही नौरा शेख का है ना ही इन्वेस्टर का है, ये एज अ डिपॉजिट कोर्ट में जमा है। देखिए ये देख सकते हैं आप इसमें, द डिपॉजिट इज विदाउट प्रिजुडाइज टू द कंटेंशन ऑफ बोथ साइड, यानी ये जो पैसा जमा है जमा दोनों पक्षों के कब्जे पक्षपात के बिना है, यानी इसका मतलब नहीं है कि इन्वेस्टर का पैसा है और इसका मतलब भी नहीं है कि नौरा शेख का पैसा है, इट इज अ डिपॉजिट, ऐसा इन्होंने स्पेशल केरला कोर्ट में लिखा हुआ है। और दूसरा हम आपको बता दें, बेंगलुरु कर्नाटक में भी खबर है, हमारा 2 दिन से लेट इसलिए हो गया क्योंकि छुट्टी थी और वेबसाइट पे जो है ये ऑर्डर नहीं चढ़ा, मगर बताया जा रहा है कि बेंगलुरु कर्नाटक में जो इनके खिलाफ जो केस हुआ था उसमें भी इनको बेल मिल चुकी है, मगर हम उसको जब तक कंफर्म नहीं करेंगे जब तक हमारे हाथ में ऑर्डर नहीं आता है। तो यानी एक जगह तो हमारे हाथ में ऑर्डर का कन्फर्मेशन है और दूसरी जगह जो है जो बेंगलुरु का है वो अभी तक अपलोड नहीं हुआ, शायद छुट्टी थी, क्रिसमस थी, संडे था, सैटरडे, इसलिए नहीं अपलोड, मगर खबर है कि वो हम उसको मोहर नहीं लगाएंगे, गली उसको मोहर नहीं लगेंगे जब तक हमारे हाथ में ऑर्डर आता नहीं है या वेबसाइट पर अपलोड नहीं होता है। तो बहरहाल हमने अभी तक की हमारे से सारी बातें बता दी, कल जो है पुणे में भी केस है और यहाँ पर भी आर्ग्यूमेंट है, मगर हमारे हिसाब से शायद थाना कोर्ट में नौरा शेख के एडवोकेट्स, दूसरे जो भी एडवोकेट्स जिन्होंने अपॉइंट किया है, दूसरे कोई भी एडवोकेट जिन्होंने अपॉइंट किया शायद वो आएंगे, और जो निज़ामपुरा की जो बात है 80 लाख के अगेंस्ट में 5 करोड़ रुपया बने, इसके खिलाफ इसके हिसाब से वो जरा बहस होगी, और शायद कल हो सकता है कि थाना कोर्ट से इसकी बेल हो जाए अगर ये 5 करोड़ का डिफरेंशिएट नहीं रहा, वो हम आपको कल